अब शुरुआत करते हैं जन मुद्दे की। खबर जैसलमेर के जोगा गांव से है, जहां गांव के पास 33 साल पहले 1988 में लाइमस्टोन खनन के लिए प्लांट की स्थापना हुई थी। जब ग्रामीणों ने दीपावली मनाई थी, बेरोजगारों को रोजगार मिलने की खुशी ग्रामीणों में दिखाई दे रही थी, लेकिन 33 साल बाद हालात बदले हुए हैं। जी हाँ, ग्रामीण अब अपनी उस गलती पर पछता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरएसएमएम से जो उम्मीदें थी वो सब धराशायी हो गई। जिले में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज जोगा गांव में हैं। रोजाना ब्लास्ट होने से गांव में घरों में दरारें भी आ गई हैं। वहीं पशुओं की आए दिन मौत हो रही है। स्थिति ये है कि आसपास के 12 गांवों में खेती के लिए उपयोग में आने वाला उड़ीन खत्म हो गया है। खनन के चलते उड़ने वाले महीन पाउडर से खेती पूरी तरह से खत्म हो गई है। ग्रामीण रोटी के साथ लाइमस्टोन का पाउडर भी खाने को मजबूर है। रागवा पंचायत स्थित जोगा गांव के रहवासियों का कहना है कि इन अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जब भी आरएसएमएम के अधिकारियों से अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां देकर भी डराया जाता है। प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। वहीं 33 साल पहले हुई प्रशासन की इस गलती से आज ग्रामीणों को और ग्रामीणों के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है। ग्राम पंचायत रागवा के ग्राम जोगा में, जबकि इन्होंने वो सनुमाइंस लिख के वो कागज जो भी काम हो रहा है उसमें, जबकि हकीकत ये जोगा गांव सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है रागवा पंचायत का जोगा गांव हो रहा है। अब यहाँ जब लोगों को उम्मीद थी, जब लगी थी, जब ये प्लांट लगा था, लोगों को उम्मीद थे कि हम कुछ न कुछ हमको हमारी जमीन तो चली गई पर तो कम से कम मिलेंगे, रोजगार तो मिलेगा। अब रोजगार सबसे बाहर 90% बाहर के, यहाँ सिर्फ ओनली दो आदमी परमानेंट है जोगाओं के, बाकी सब स्टाफ बाहर। तो सर बहुत सारी परेशानी, अब ये ज्यादा जो टीबी के पेशेंट जो आप सर्वे कराए, टीबी के पेशेंट जोगा गांव में सोच ज्यादा है, सेवा में है, रागवा में है। ये जो ब्लास्ट होता है उसमें जो दरारें आ गई, हर घर में दरारें हैं, अब इस बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पशुओं को यहाँ खाने के लिए कोई चारा था उसमें कम से कम दो तीन इंच ऊपर रेत जम गई। काफी हमारे यहाँ माल मवेशी जो गायों की थी वो गाय खत्म हो गई, पशु खत्म हो गए, खेती नष्ट हो गई बिल्कुल। गांव के अंदर मकान थे उसमें ये दरारें आप देख रहे हो। गांव में कोई मजदूरी वहां लगा ही नहीं रहे हैं। गांव के 100% 95% भी वहां मजदूरी पर हमारे गांव जोगा के नहीं लगा रहे हैं। टोटल बाहर से यूपी से बाहर से आकर के काम करवा रहे हैं, जबकि पूरी नुकसान है। आज से 33 साल पहले आरएसएमएम आई, तब से लेके आज तक जो हमारी जमीन पुराने जो बरसात से खड़ी बहते थे, हम गेहूं वगैरह बीज थे, आज वो मिल के बराबर है। आज 32 साल में कभी उसमें खेती नहीं हुई, कणक का तो गेहूं का नाम निशान छोड़ो। ऊपर से बरसात जे हो भी जाए तो ये आरएसएम का पाउडर उड़ता है, इससे नुकसान ही नुकसान है, फायदे कोई जगह नहीं। खेती आज तक कभी 32 साल में कभी 5 बोरी आज तक भरी नहीं है। अधिकारी आश्वासन खा देते हैं, काम कुछ नहीं कर। हर ये परेशान है, पशुओं कैसे हो, धन मवेशी मोहरी भूख मराई, ये मकरो हारो को खुनियो पथरी कोई खड़ी जो कोई आन पाई से मोर बारह गौरव खड़ी ना जिक्र आग पानी रहा तो पलन को दिनो पुड़पुड़ी आवे जो को मैं खाई और अंदा छाई तिमी पसंद हो कोई मान फायदो दिनो कोई डॉक्टर न को बीचो को दवाई नहीं फके नहीं कुछ कहीं। जो जोगा गांव गोद लिया हुआ है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सामाजिक सरोकारी का कोई काम नहीं किया गया। डीएमटी फंड द्वारा करोड़ों बजट आता है लेकिन एक भी काम नहीं किया गया, और सीएसआर फंड द्वारा भी कार्य होता है जो भी मौके पर जोगा गांव में नहीं किया गया। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, खेती पूरी नष्ट हो गई है, जो खेतों में पानी आता था नदी नाले वो पूरे बंद हो गए है, और गाँव वाले सब जो टीबी पेशेंट है उनको किसी प्रकार का कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, और गांव में मकान है उनमें दरारें आई हुई है। कई बार जिला कलेक्टर व आरएसएम अधिकारियों व मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हर साल डीएमटी फंड जैसलमेर जिले में देखा जाए तो आरएसएम माइंस में ज्यादा फंड आता है। जो कल नीति पत्र के माध्यम से जानने में आया कि जो सोनू में जो लाइमस्टोन का जो प्लांट लगा हुआ है उसके आसपास के ग्रामीणों को के द्वारा जो नीति पत्र में जो कटिंग आया है
उसके आधार पर ये बताया कि वहाँ पे जमीन बंजर हो चुकी है, आसपास में जो लोग हैं उनको सिलिकोसिस इस टाइप के जो इश्यूज आए। चूँकि प्रकरण हमारे पास अभी आया है, मैं इसका एक बार इसको RSMM से या फिर हमारे कंसर्न पटवारी जाँच करवा रहे हैं। जन मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर के अंतर्गत आने वाले ग्राम जोगा की, जहां पर 43 साल पहले यहां लाइम स्टोन खनन के प्लांट की स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना होने के 33 साल बाद यहां पर उड़ती ये धूल बयां कर रही है कि किस तरह यहां पर तकनीकी विकास होगा और किस तरह से जो ग्रामीण है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब कुछ ऐसा नजर आया था कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा और आधुनिकीकरण भी जोर पकड़ेगा, लेकिन इस तरीके से जब मामले सामने आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा पूरे जिले में जोगा गांव में यहां टीबी के पेशेंट सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रोज खाने के साथ भी इस धूल भरे खाने को उनको खाना पड़ता है और इसके लिए वो मजबूर इसलिए भी हैं क्योंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। या तो जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देने के लिए इसलिए भी लाजमी होना चाहिए क्योंकि तमाम जो कोरोना के पेशेंट हैं उसके अलावा अगर और भी बीमारियां बढ़ती हुई नजर आती है तो आखिरकार प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। वहीं आपको बता दें कि ब्लास्ट होने के चलते घरों में दरारें भी आ चुकी है। यहां पर टीबी के मरीज तो हैं ही, लेकिन हाँ, रोज खाने के साथ साथ इस डस्ट का भी सेवन यहां पर तमाम ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं इस डस्ट को बर्दाश्त करने में। वहीं हमारे साथ ग्रामीण भंवर सिंह जुड़ गए हैं। भंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MKN में। मम्मा जी, क्या लगता है जिस तरह से 33 साल पहले इस प्लांट का उद्घाटन किया गया था और प्लांट के बाद आखिरकार आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बताइए जी। आवाज थोड़ी कम जी। मम्मा जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको, चूंकि इस प्लांट से डस्ट निकलती है, खाने में भी इस डस्ट का जिस तरह से आप सेवन करते हैं, तमाम जानकारी आप बताइए। जी जी, सबसे बड़ी समस्या तो यह डस्ट है। ये प्लांट जब 1988 में लगा है, जब लोगों को हम उम्मीद थी हमारे को जी कि हमारा कुछ न कुछ या प्लांट से रोजगार मिलेगा, जो हमारे पर उसका इन्होंने उल्टा हो गया जी। मैं तो कुछ रोजगार मिला है मैं कुछ, और उल्टा ये धुंध डस्ट पड़ने से गांव के उसने मरीज बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रहे हैं जी। अमर जी, क्या लगता है जिस तरह से इसमें तमाम, आपने जिस तरीके से बताया कि विकास के वादे भी किए गए थे, रोजगार देने के लिए भी कहा गया था, क्या वहां पर मामले सामने आ रहे हैं कि विकास के चलते यहां पर मजदूरों से काम ना करवाकर क्या मशीनों से वहां पर काम करवाया जा रहा है? मजदूर ये गांव के लोकल को नहीं लगा रहे, ये कि बाहर के MP और UP के लोग ज्यादा लगे। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब भाजी वो सस्ते मिलते हैं, या तो या डॉक्टर काम करते हैं सस्ते मिलते हैं, अब यहाँ कुछ लगे हुए तो उनको सही मूल्य दे रहे। अब यहाँ पूरा स्टाफ में सिर्फ यहाँ जोगा गांव के दो प्रमाण है, बाकी सब बाहर के यहाँ जी। अब कुछ लोग जाते हैं तो उनको पूरा वेतन नहीं मिले, उनकी वो जी कुछ PF वगैरह करती है इस काम से। बिल्कुल, क्या लगता है आपको जिस तरह जी भंवर जी, एक मिनट, क्या लगता है आपको जिस तरीके से इस मामले को देखते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका जोगा गांव, किसी भी पंचायत सचिव से बात करने की कोशिश की आपने इस मामले में? जी पंचायत, हमने पूरा ऑफिस जो सुप्रीम इनका जो जहाँ बैठता उनसे मैंने बात की, मैंने उनको लिखित में भी दिया, कम से कम जो इनके जो CSR फंड उनको मिलता है उस उद्योगों का उनका दायित्व होता है कि जो उनके गांव जो प्रभावित होते हैं उन प्रभावित गांवों को उनका दिया जाए जी, उनका विकास किया जाए, पर उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जैसे हमारा रागवा ये ग्राम पर जोगा ग्राम पंचायत, जोगा ग्राम जो रागवा पंचायत में आता है जी, इसमें रागवा सेवा और जोगा तीन गाँव है, तो उनमें उन्होंने कुछ नहीं किया जी। जब दस आंधियां चलती है तो ये डस्ट ही डस्ट में देखते डस्ट दिया और दिया कुछ नहीं जी। भंवर जी, चूंकि देख रहे हैं कि आपका जो क्षेत्र है वहां पर टीबी के कई ज्यादा पेशेंट नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी नजारा सामने आ रहा है कि जिस तरीके से आप खाना खाते हैं तो इसमें धूल मिट्टी का भी सेवन हो रहा है और भी ज्यादा बीमारियां जो है वो ग्रसित हो सकती हैं आपके क्षेत्र में,
इसके अलावा अगर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या लगता है लापरवाही कहाँ है, या फिर इस कंपनी में लापरवाही है, या फिर प्रशासन ही अब खोखला साबित हो रहा है? चूंकि अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो कोरोना से तो दूर टीबी के पेशेंट से भी लड़ने में अब प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अरे इनको सबसे बड़ा इनकी जो कंपनी है, जो इनका दायित्व बनता है का सर्वे किया जाए, डॉक्टर लगाया जाए, उनकी सर्वे कर उनके इनका दायित्व बनता है बिल्कुल, पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं जी। जब आप शिकायत करते हैं तमाम, जिस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ रवैया यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनाया जाता है आपके मामले को लेकर? जनप्रतिनिधियां वगैरह जब अगर 88 साल में जो होते हैं तो हमें इतने तक हुआ नहीं आज तक मगर जी, ये काम जब ये दशा होगी, जब मजबूरन जब आए इनको पत्रकार वगैरह आए, पता पड़ा जो हकीकत ये है जी। भम्मा जी, हम ने बताया मेरे को ये है, देखो हमारा ये हालत ये है भम्मा जी, तो देखो जरा तो जी। जनमुद्दे के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जनता के जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी समस्या है उसको हम जनप्रतिनिधि या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आश्वासन के आधार पर हम किसी भी नेता से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी जरूरी है, लेकिन समाधान कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर तमाम रवैया अपनाता है, कोई भी रवैया अपनाता है, तो उसके जरिए ये देखा जाता है कि आखिरकार विकास के नाम पर मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, तमाम क्षेत्रों में अगर जनमुद्दे की बात करें तो कहीं भी अगर परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आखिरकार जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तन्मय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तन्मय, क्या कुछ लगता है आपको जिस तरह से देख रहे हैं, ग्रामीण का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जब हमारे द्वारा, मीडिया द्वारा यहाँ पर जब मामले को संज्ञान लिया गया तब जाकर जनप्रतिनिधियों को पता चला कि ऐसी कोई समस्या है, जब आप वहां पर पहुंचे क्या कुछ नजारा वहां पर सामने आया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसलमेर की रागुआ पंचायत का जोगा गांव जो कि सोनू लाइमस्टोन के पास में स्थित है, वहां पर जब खनन का प्लांट की स्थापना हुई थी तब वो लोग बहुत खुश होते, वहां पर समावना किया, बोला पर रोजगार के आयाम खुलेंगे और उनको रोजगार ऊपर होगा। तन्मय जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा नेटवर्क में आए, आपकी वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। लेकिन आज लाइम स्टोन के स्थापना के 33 साल बाद भी अब वो अपनी उस ग्रामीण जो है वो अपनी बेवकूफी पर पछता रहे हैं कि हमें आरएसएम से जो उम्मीद थी वो सब धराशायी हो गई है, सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जिले में जो सबसे ज्यादा टीबी के मरीज है वो भी इसी गांव में है, और इतना ही नहीं और भी कई तरीके की बीमारियों से यहाँ के जो ग्रामीण है वो ग्रस्त है। तन्मय जी, कौन पदस्थ है वहाँ पर और जिस तरीके से मामले को देख रहे हैं, किसी भी अधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने? जी, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जांच का विषय कहकर बात को टाल दी, लेकिन वहाँ पे गांव में जो समस्या है उससे ग्रामीण लगातार परेशान है जी। ग्रामीणों का इस बारे में क्या कुछ कहना, और कितनी आबादी वाले लोग वहाँ पर निवास करते हैं? यहाँ करीब जो है वो 2000 से ज्यादा लोग जो है वो निवास करते हैं, और ग्रामीणों से जो हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 1988 में आरएसएमएम आई तब से परेशानी शुरू हुई है जो अब तक खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही है। गांव की किसी एक परेशानी हो तो उसका मिलकर सब सहयोग करके उसका हल निकाल लेते हैं, लेकिन इस ऐसी परेशानी है जो पूरे गांव की परेशानी है, इसको लेकर ना तो आरएसएम के अधिकारी ध्यान दे रहे और नहीं यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। गाँव में जहाँ भी हाथ रखो वही दर्द वाली खावत जो है यहाँ पर साफ तौर पर चरितार्थ हो रही है। जब भी ग्रामीणों द्वारा आरक्षण के अधिकारियों से अपनी समस्याओं पर चर्चा की जाती है तो अधिकारियों द्वारा साफ तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर धमकियां दी जा रही है। तन्मय जी, एक आम नागरिक के नजरिए से अगर देखते हैं इस मामले को, क्या लगता है 33 साल पहले इस कंपनी का उद्घाटन हुआ, इस कंपनी को यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए इजाजत भी मिल गई, लेकिन 33 साल पहले दीपावली बनाई गई थी यहाँ पर इस क्षेत्र में सिर्फ इसलिए कि शायद विकास होगा, तकनीकी विकास के चलते आधुनिकीकरण को लेकर भी यहाँ पर कई विकास के वादे किए गए थे। अब तो यहाँ पर ये नौबत आ गई है कि ग्रामीणों को विकास के नाम पर मजदूरी भी नहीं मिल रही है। कंपनियों का ये कहना है कि बाहर से जो मजदूर लाते हैं वो कम पैसे लेते हैं, जिसके चलते यहाँ के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। क्या कुछ लगता है कि आखिरकार जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं?
जी जसमीर का जो सोनू लाइन स्टोन है खनन करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ये गांव, और माइंस के पास खालत सलतियों के जो 12 गांव के खड़िंदे वो इस लाइम स्टोन के धुएं के कारण जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। साथ ही रागवा जोगा व सेवा गांव के हजार से ज्यादा परिवार जो है वो इस अनदेखी का दर्श आज भी भुगत रहे हैं। इन तीनों गांवों के करीब 500 बीघा उपजा जमीन लाइम स्टोन के खनन के कारण अब उपजाऊ नहीं रही। साथ ही अगर ग्रामीणों द्वारा हिम्मत कर फसलों की पैदावार कोशिश की जाती है तो खनन के कारण उड़ने वाले लाइम स्टोन जी पूरी तरह से जो चौपट हो रही है जिससे इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि आरएसएम के कारण हमें उन्हें कई नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे लिए जो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है वो खेती का हुआ है। इसके साथ ही जो जोगा गांव की जो जमीन है वो भी चली गई। तन्मय जी 2 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नगर अध्यक्ष बीजेपी के अरुण पुरोहित जुड़ गए हैं। पुरोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। धन्यवाद मैडम। पुरोहित जी क्या लगता है मामला कुछ इस कदर है कि राजस्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जोगा गांव, जहां पर 33 साल पहले लाइम स्टोन खनन के लिए प्लांट की स्थापना की गई थी, लेकिन उसके चलते यहां पर विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हां उड़ती हुई धूल लोगों के लिए संक्रमण का सबब बन रही है। टीबी के पेशेंट बढ़ गए हैं, यहां तक कि विकास के वादों में भी यहां खोखला साबित हो रहे हैं तमाम मामले। दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो यहां पर विकास के नाम पर मजदूरों से काम ना कराकर दूसरी जगह से मजदूर लाए जाते हैं, जिसके चलते यहां पर रोजगार का भी एक बड़ा अवसर पैदा होता नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कहेंगे? जी कहीं कहीं जब नए रोजगार हमारे गाँव के अंदर लगेंगे तो हमें रोजगार से भी कहीं बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज की स्थिति है कि उसको पलायन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं शास्त्र से अगर कुछ खिलवाड़ कहीं किया जा रहा है तो राजस्थान सरकार कर रही है। जिस तरीके से वहाँ की धूल भरी है वो लोगों के स्वास्थ्य में कहीं कहीं अंतर शरीर में प्रवेश करती है, और ज्यादातर कई टीवी के भी जो रोगी है वो जैसलमेर के चोना गांव में मिले हैं। बात करें अगर किसान की फसलों की, अगर किसान की फसलें जब बाई जाती है, जब पैदावार जब उसमें वो भी वही की जब समय आता है तो ये जो फसलों का जो रेती का जो मिट्टी है तो फसलों को भी नुकसान है। उसके बाद में जिस तरीके से सीएसआर फंड और उसका डीएमटी फंड जो सरकार लेती है वो सरकार जो गाँव में कहीं कहीं में आज तक नहीं लगा है, मतलब दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, या कोल्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या पानी जो हमारा जैसलमेर का सबसे मूल के नाम से जाना जाता है, तो कहीं कहीं पानी जैसी स्वास्थ्य जैसी समस्याएं एजुकेशन की बात करें कहीं नहीं लग रहा है। सरकार अनदेखी कर रही है, कहीं कहीं सरकार की और नेताओं की मिली बत्ती भी सामने नजर आ रही है। जी अरुण जी, लेकिन इस बीच जनता तो पिसती नजर आ रही है, दूसरी तरफ देखते हैं कि आप एक नेता के नजरिए से इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सर देख रहे हैं इस बीच जनता को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी से सरकार लड़ती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन सर यहाँ पर टीबी के पेशेंट भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोगों ने कई बार इस तरीके के मैटर कलेक्टर को दे रखे हैं बिल्कुल, लेकिन अभी तक जैसलमेर में जिले के अंदर में एक कांग्रेस मंत्री होने के बावजूद, जैसलमेर में रूलिंग पार्टी के विधायक होने के बावजूद जैसलमेर के उन गाँव के लोगों की जनसुनवाई नहीं हो रही है, तो कहीं कहीं सरकार सो रही है। जिस तरीके से सरकार दो भागों में जयपुर में बटी है उसी तरीके से सरकार जैसलमेर में दो भागों में बटी है, तो उसका नुकसान कहेंगे जैसलमेर की जनता और जैसलमेर के जोगा गांव के लोगों को भुगतना। जी अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर समस्याएं तो अनेक है लेकिन समाधान एक भी नहीं है, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गलती तो है तो बात तो वो कर नहीं सकते। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर जब बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी यहाँ पर काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। विपक्षी पार्टी के आधार पर हम काम तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भी अधिकारी, जो भी जनप्रतिनिधि से लेकर ग्राम पंचायत का सदस्य वहां पर पदस्थ है, उसका भी विशेष योगदान होता है विकास के नाम पर, लेकिन बावजूद इसके अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आखिरकार यहां पर जनप्रतिनिधियों से कैसे कार्रवाई करनी की जाएगी। वही हमारे साथ राजेंद्र मनोरिया जी आरएसएमएम के अधिकारी जुड़ गए हैं। राजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में।
राजन जी ने हमारा संपर्क काट दिया है, चूंकि आपको बता दें कि मामला ही कुछ इस कदर है, क्योंकि तमाम अधिकारियों से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अधिकारियों से बात करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन मामले में यहां पर कार्रवाई से बचते हुए वो नजर आते हैं, और शायद यही एक वजह है कि 33 साल बाद भी आज तक इस प्लांट में कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते विकास के नाम पर यहाँ कुछ नजर आए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर कई वादे तो किए गए, विकास के वादे हो या मजदूरी का वादा हो या तकनीकी शिक्षा से लेकर कई भी विकास के वादे हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन इसकी चपेट में आता हुआ नजर आता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद जनप्रतिनिधि क्या कुछ एक्शन लेते हैं या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। और फिलहाल के लिए हमारे साथ के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।